नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। सबसे पहले मैं एक काम चाहता हूं आप करें, कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इन तीन एक्टर्स में सबसे अच्छी बायोपिक एक्टिंग आपको किसकी लगती है। पहला नाम है अजय देवगन का, दूसरा नाम है विक्की कौशल का और तीसरा नाम है रणवीर सिंह का। अब आप आगे सुनिए हमारी बातचीत, तब तक आप कमेंट जो है लिखते रहिए कि क्या आपको लगता है इन तीनों में से सबसे बेहतरीन कौन है। एक्टर और उनका जो पोटेंशियल होता है वो एक एक फिल्म से नापा जाता है, कौन सी फिल्म कर रहे हैं वो, क्या मजा आया। अब ऐसे में जो है अजय देवगन को अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो बायोपिक में काम किया था वो थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और मेरे ख्याल से मनोज कुमार के बाद सबसे बेहतरीन एक्टिंग की थी उन्होंने इस फिल्म के अंदर भगत सिंह की। बहुत ही कन्विंसिंग एक्टिंग थी और आज भी उन्हें याद किया जाता है। विक्की कौशल ने जो है अभी एक बायोपिक साइन कर रखी है जिसमें कि वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था सैम मानेकशॉ साहब ने 1971 के इंडो पाक वॉर में, और 1971 के ही वॉर के बारे में अजय देवगन भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि पुश द प्राइड ऑफ इंडिया है। रणवीर सिंह का यहाँ तक सवाल उठता है 71 नहीं 83 से आ रहे हैं आपके सामने, और 1983 की जो फिल्म है वो उसे लेकर के आ रहे हैं। फिल्म का नाम है 83 का जो भारत का वर्ल्ड कप की विक्ट्री थी उसे दिखाया जाएगा। आपके हिसाब से जो है सबसे ज्यादा सहज कौन लगता है या लगेगा बायोपिक एक्टिंग में, ये आप लिख करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अजय देवगन इस समय जो है दो बायोपिक और कर रहे हैं, एक मैदान कर रहे हैं जिसमें कि वो सर सैयद अब्दुलरहमान का जो है रोल कर रहे हैं जो कि एक फुटबॉल के प्लेयर थे, और उसके अलावा जो है ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद ये एक और बायोपिक प्ले करने जा रहे हैं जिसमें कि ये एक बहुत ही पुराने योद्धा का जो है रोल करेंगे। वैसे उन्होंने तानाजी में भी अभी बायोपिक ही कही जाएगी तानाजी को भी। आपको सबसे बेहतरीन इन तीनों में से कौन किसकी एक्टिंग लगती है लिख करके बताएं कमेंट सेक्शन में, पुनः कह रहा हूं आपको मैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप एक काम करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।